दोस्तों, अपने यार की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। शादी तो नहीं हुई, लेकिन तुम लोगों की पार्टी जरूर धूमधाम से हुई। हेलो, नेक्स्ट पार्टी तुम दोनों का ही है। हमारी? हाँ, परसों होगी। हमें बिना बताए पार्टी रख दी, लेकिन उस दिन तो हमारा बर्थडे भी नहीं है यार। बर्थडे नहीं, प्रपोजल डे। प्रपोजल डे है? इसके आई लव यू बोल दे पर एक्सेप्ट करने वाला दिन। और हाँ सोनाली पवन, नेक्स्ट संडे तुम दोनों को पार्टी देनी होगी। हम दोनों को देनी होगी? क्यों? फेसबुक पे तुम दोनों की फ्रेंडशिप जो हुई थी। फेसबुक पे फ्रेंड्स हुए तो क्या पार्टी देते हैं? वही फेसबुक तुम दोनों को फेस टू फेस मिलाने में काम आया। ओके ठीक है। और आकाश हरिता, नेक्स्ट तुम दोनों का। अरे हम लोगों का छोड़ यार, पहले तू पार्टी कब देगा बता। मेरे बर्थडे में पार्टी? लेकिन अपने बर्थडे में मुझे हमेशा अपनी माँ की तकलीफ याद आती है। पर अंजलि के बर्थडे पे हम एक ग्रैंड पार्टी देंगे। लेकिन गांधी जयंती, दारू बंद, वंदे मातरम। तुम दोनों वैलेंटाइन डे पर एक हुए थे ना, उसी दिन पार्टी दे दो। वैलेंटाइन डे जा चुका है, कोई और दिन ढूंढ लो भाई। फाइनली ये बता, पार्टी देने का इरादा है या नहीं? क्यों नहीं, एक पैक मार के बताता हूँ। ए, शादी हुए एक घंटा नहीं हुआ और शराब की बात। अरे वाजाक के सुधा ने शादी में नहीं आ रहा हूँ सॉरी कह के मैसेज किया है। उसे देखकर मेरी मिसेज ने, सुधा कौन है, उससे तुम्हारा रिश्ता क्या है, कहीं तुम उस लड़की से प्यार तो नहीं करते, ये सब कह करके उसने मेरा दिमाग खा लिया यार। कूल यार, सुधा लड़की नहीं लड़का है, पता है ना? अगर सुधा लड़का है तो वो तुम्हें डार्लिंग क्यों कहता है यार? ओहो, कहीं वो उस टाइप का तो नहीं है, तुमने पूछा उसे? हीरो तो प्रभास है यार, जिसने डार्लिंग वर्ड सबके साथ चिपका दिया। एक मिनट, डैडी का फोन आया है। हेलो डैडी, बोलिए। कल मॉर्निंग में आ रहे हैं आप? हाँ मैं घर पर ही हूँ। हाँ ठीक हूँ। मैं तो मारी गई। मम्मी डैडी वापस आ रहे हैं। उनका प्रोग्राम ही कैंसिल हो गया। कल अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट से आ रहे हैं, हमें कैसे भी करके निकलना है आकाश। तो फिर क्या करें? कल मॉर्निंग 6 बजे तक मैं घर पे नहीं रहूंगी तो तुमसे मेरा रिलेशन ही कट हो जाएगा। मेरी फैमिली के बारे में पता है ना। पार्टी फुल एंजॉय करने के लिए आए, बीच में ये लफड़ा क्यों? ए, चुप यार, पार्टी तो कभी भी कर सकते हैं। कल घर में अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो हमें ही तो फेस करना है ना। सेंटिमेंट बातें करके मुंह बंद करना चाहते हो क्या? तुम टेंशन मत लो, हम लोग निकल रहे हैं। चलो भाई। ओके। चलो यार। चलो यार, तुम लोगों में से कोई तो मेरा साथ दो यहाँ पर प्लीज राहुल। ऐसी बात नहीं है यार, हम लोगों में कोई तुम्हारे साथ रहेगा तो तुम्हें ही प्रॉब्लम होगी। वो क्यों? लड़की साथ रहेगी तो तुम दोनों के बारे में जानकर तेरी औरत तुझे कूटेगी, फिर तू चिल्लाता फिरेगा इधर उधर। इसलिए तू हम लोगों के चक्कर में मत पड़, अकेले चुपचाप एंजॉय कर, ठीक है ना? ठीक है यार, जाकर एंजॉय करो। बाय 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 बाय। बॉटल खोलना मत भूलना। बाय बाय। चल मिलते हैं। बाय। अरे ड्राइवर, कार निकालो। इतनी रात में जंगल से सफर करना खुद को खतरे में डालना है। क्या रात को जंगल में गाड़ी चलाने से डरता है क्या? अंधेरे से मुझे डर लगता है। लाइट जला लेना। सड़क पे कोई जानवर आ गया तो हॉर्न बजा देना।
और अगर टायर पंक्चर हो गया? स्टेपनी ले लो। ये कहाँ मिला तुम्हें? ड्राइवर है कि ओनर है? ए, मेरे पापा के बारे में जानते हो ना, ड्राइवर के बिना गाड़ी देंगे नहीं, इसलिए इसे मेरे साथ रखा है। तो फिर मेरा क्या होगा? कल मॉर्निंग तक अगर मैं घर नहीं पहुँची तो मम्मी डैडी आ जाएंगे। तुम कैसे भी करके इस ड्राइवर को समझाओ। ओए, चुपचाप कार निकालो। अरे तो तुम टेंशन मत लो। सुनो, आते समय जो जो जहाँ पे बैठा था हाँ, वो उसी सीट पर बैठेगा। हाँ, सीट चलो, है यार, वहीं बैठ। चलो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ हाँ ठीक है। सब लोग वहीं पर बैठना जहाँ पर बैठ कर आए थे। हाँ बिल्कुल, मैं अपनी जगह बैठ गया। हाँ भाई बैठ गए। हाँ हाँ हाँ, अब चलो भी। क्या हुआ? क्या हुआ? गाड़ी रुक गई। अरे वो तो पता है, उतर के देखो ना क्या हुआ है। क्या हुआ पता नहीं, देखना पड़ेगा। चुपचाप उतर के देखो। आधी रात है, जंगल में कदम रखने में खतरा है। बकवास बंद करो और उतर के देखो। जंगल में मुझे डर लगता है। क्या कहूँ तुमसे, कहाँ से मिल गए तुम? क्या बोलूँ डैडी को जो तुम्हें रखा है। गाड़ी कैसे बंद पड़ी? बोनट का बटन प्रेस करना। क्या हुआ आकाश? पता नहीं यार, वही देख रहा हूँ। कार ब्रेकडाउन हो गई यार। तो अब क्या करेंगे यार? नीचे मत उतरो। क्यों? जंगल में खतरा है, संभल के नहीं रहेंगे तो कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही कार में रहेंगे तो हमारा तो दम ही घुट जाएगा। अगर हम बाहर निकलेंगे तो थोड़ी हवा मिलेगी, कम से कम थोड़ा अच्छा लगेगा। चलो हम लोग नीचे उतरो। हाँ, हाँ, चलो। ओए भाई, क्या कर रहा है? कहीं सिग्नल मिल जाए वही खोज रहा हूँ यार। घने जंगल में सिग्नल ढूंढ रहा है, मारूंगा तो अकल ठिकाने आएगी तेरी। आकाश, अब क्या करेंगे? सुबह तक घर पहुंचना पड़ेगा। ओफो, टेंशन मत लो। काश यहाँ से कोई गाड़ी गुजरे तो कम से कम लिफ्ट ले सकते हैं। जब से हम सड़क पे चल रहे एक भी गाड़ी नहीं गुजरी हमारे पास से। हाँ, कहाँ से मिलेगी? वहाँ कोई दीपक जल रहा है। हे गाइस, लुक देयर। क्या हुआ? देखो क्या है वहाँ। यहाँ तो आओ। क्या हुआ? क्या देख लिया? हाँ, पता क्या देख लिया? उधर देखो, क्या देखा? दीपक जल रहा है, वहाँ कोई होगा तो हमें हेल्प मिल जाएगी। जरूर, चलो 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 चलते हैं। चलो 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 जल्दी। एरिया में क्या है? वाओ, ये जगह बहुत अच्छी है ना? यहाँ एटमॉस्फेयर। सुनो, कोई है क्या? ठीक कह रही हो तुम। कोई हमारी आवाज सुन रहा है? हेलो, इज एनीबॉडी देयर? यहाँ दीपक जल रहा है तो जरूर कोई ना कोई तो होगा ही। शायद कहीं गए होंगे, उन लोगों के आने तक रुकना होगा, फिर हेल्प मांगेंगे। अगर यहाँ कोई नहीं हुआ तो मॉर्निंग तक हम लोग यहीं स्टे करेंगे। ओह माय गॉड, अब क्या करेंगे? पहले तो आग जलाएंगे। अरे भाई, ग्लास है क्या? है ना। अरे मुझे पता है भाई, ऐसा कुछ ना कुछ होगा, इसीलिए मैं दारू लेकर आया हूँ। दिमाग बहुत लगा। दारू साथ में है तो क्या आगे का नहीं सोचोगे? सोचने के लिए दारू पीते हैं। अरे ये जंगल है तो क्या, जंगल में अल्कोहल नहीं पीना चाहिए, ऐसा कोई रूल है क्या? वैसी बात नहीं है, अगर कोई शेर आ गया तो क्या, फोटो खींच के फेसबुक पे अपलोड कर देंगे। अच्छा, अगर यहाँ पर शेर आ गया तो तुम क्या करोगे? मैं दाढ़ी बना सकता हूँ, तू दाढ़ी नहीं बना सकती।
गो बैक बोलूंगा ना। ओ भाई पवन कल्याण, अरे यार मैं बोर हो रहा हूँ, कोई नया प्लान सोचो भाई। ए आकाश, अंताक्षरी खेले क्या? जंगल में आने के बाद अंताक्षरी, ये तो मैं बचपन से खेलता आ रहा हूँ, कुछ और सोचो यार। ए मेरे बैग में चेस है, कौन कौन खेलेगा? अरे यार तो अब क्या करें, तुम ही बताओ। हाथ में दारू है, बगल में लड़की है, सामने आग है, और क्या चाहिए यार? शराब है, शबाब है और आग है, इसके अलावा कोई और मैटर नहीं है क्या? टॉपिक टिपिकल हो तो भी चलेगा, लेकिन उसमें थ्रिल होना चाहिए। थ्रिल है? हाँ। पवन के पास बहुत सारे थ्रिल हैं। अरे पवन, तुमने मुझे एक कहानी सुनाई थी ना, वहाँ बैठे सभी लोगों की उतर गई थी, वही वाली कहानी? बस भी करो। अरे ये सब करने का टाइम नहीं है, लड़कियाँ डर जाएंगी तो। हेलो, हम लोग डरने वालों में से नहीं है। पहले तुम अपनी कहानी बताओ, वो थ्रिल है या निल है वो हम बताएंगे। ठीक है, मैं कहानी सुनाता हूँ। ओपन करेंगे तो पार्टी है क्या? ये लो ओपन हो गया। हेलो डॉक्टर, माय हार्ट इज बीटिंग, पल्स चेक करेंगे तो फास्ट बीटिंग। यस, शालू की पसंदीदा फिश करी और बिरयानी सब रेडी। ओप्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक मिस हो गया, वन सेकेंड। परफेक्ट, सुपर, अब मजा आएगा। शालू रवीज मैरिज डे एनिवर्सरी सेलिब्रेशन स्टार्ट्स नाउ। हेलो। हाय डार्लिंग, कहाँ हो? ऑन द वे। मैरिज डे पर भी काम करने वाली बीवी एक तुम ही हो। तुम्हें क्या रवि, तुम्हारी जॉब ही ऐसी है, तुम्हें कभी भी छुट्टी मिल जाती है, तुम कर सकते हो। मैं एक डॉक्टर हूँ, 24 आवर्स ड्यूटी पे रहना पड़ता है। क्या हुआ रवि? डॉक्टर, दिल में दर्द हो रहा है, मेरा दिल एक मिनट में 120 बार धक धक कर रहा है। अर्जेंट अर्जेंट आना है डॉक्टर प्लीज। अच्छा, यहाँ मेरी गाड़ी 120 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है, डोंट वरी, मैं जस्ट 10 मिनट्स में पहुँच रही हूँ। ओके बाय। आई एम वेटिंग, बाय। छह, और भी 10 मिनट बाकी हैं। डॉक्टर से शादी करो तो 2400 घंटे पेशेंट्स के फोन आते रहते हैं, अरे हंसी खुशी संसार करने भी नहीं देते। वेडिंग डे भी वेटिंग डे बन गया है। इस टाइम पर ये क्या है? हेलो हेलो, आज तुम्हारी एनिवर्सरी है, पार्टी कहाँ दे रहे हो? अबे हॉस्पिटल में बे। कैसी बात कर रहे हो? आए हुए सभी दोस्तों से गिफ्ट के तौर पर एक एक लीटर ब्लड लेने के लिए। ब्लड क्यों नहीं है तो फिर किडनी दे दे। किडनी? किडनी नहीं, इडली चाहिए क्या? वो ले ले। ठीक है, तू क्या देगा बता? हाँ दूंगा, तुम्हें और तुम्हारी पार्टी को नमस्कार, बाय। हेलो हेलो, रख दिया पागल, पार्टी चाहिए कार्टून को? एक तो ऑलरेडी मैं टेंशन में पड़ा हुआ हूँ। दस मिनट हो गए अब तक नहीं आई। प्रिया प्रियतमा फोन उठाओ। सखी ठीक ठाक है कि टांग? छे छे, मैं ये क्या बोल रहा हूँ। हाय, गुड इवनिंग रवि। सॉरी रवि, थोड़ा सा लेट हो गया। तुम्हारे हॉस्पिटल में बेड्स कितने हैं? 250। ये सब क्यों पूछ रहे हो? हम दोनों के लिए वहाँ पर बेड का इंतजाम हो सकता है, मैं भी वहाँ पर शिफ्ट हो जाऊंगा। रवि टू नॉटी। क्यों, बेड्स पेशेंट के लिए ही हैं क्या, हस्बैंड को नहीं दे सकते? आपको देखने के बाद अगर एम्बुलेंस मिल जाएगी तो एडजस्ट हो सकता है, ऐसा लग रहा है। तो ओके है। चलो चलो। श्रीमती जी प्लीज वेलकम, आइए पधारिए, एवरीथिंग इज रेडी। वाह, ऑसम, तुम जैसे भी हो बहुत अच्छे हो। तुमने अपने हस्बैंड को समझा क्या है? मैं तैयार होकर आती हूँ, प्लीज वेट। ओके जल्दी आना, आई एम वेटिंग।
क्या बात है, दुल्हन के लिए दूल्हा वेट कर रहा है। वाओ, यू लुकिंग गॉर्जियस। कटिंग के लिए केक भी वेट कर रहा है, आओ। हो, वाओ। केक तक तो ठीक है, अब ये बताइए एनिवर्सरी गिफ्ट में आप मुझे क्या दे रहे हो? क्या चाहिए? तुम्हें पता होगा, नई कार, डायमंड नेकलेस। तो फिर क्या चाहिए? तुम हर जन्म मेरे पति बनकर रहो, बस यही चाहती हूँ। अभी भी तो मैं तुम्हारा पति ही हूँ। अभी नहीं, इस जन्म में ही नहीं, हर जन्म में तुम ही मेरे पति बनकर रहो। प्रॉमिस मी। लव यू शालू, लव यू। केक काटे? या, मैं तो भूल ही गया था। Wish you a very very happy anniversary. Thank you. ये तुम नहीं खा सकते। केक कैसा है? तुम्हारे हाथों से दिया हुआ, ये तो क्या जहर भी मुझे अमृत ही लगेगा। तुम ना मुझे पागल बना रही हो। फिश करी भी बनाई है, जरा सा टेस्ट कर लो। ओके। यस। ये वही ग्रेवी है। हैंड वॉश करके आती हूँ। ओके। शालू, क्या हुआ? शालू, क्या हुआ शालू? कहां पर? पुतला, उसको देखकर तुम डर गई? वो नजर उतारने के लिए है, वो आज ही तो लगाया है, और उसे देखकर तुम तुरंत डर भी गई। आज ही डर गई। ऑपरेशंस करने वाली डॉक्टर इतनी जल्दी कैसे डर सकती है? मुझे भूतों से बहुत ज्यादा डर लगता है। रिलैक्स, मैं हूं ना, आओ।
शालू, 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 क्या हुआ? वो आ देखो। हाँ? क्या है वहाँ? हाँ? क्या हुआ शालू? अरे? वहाँ नजर उतारने वाला पुतला है, रवि। कहाँ है शालू? वहाँ कोई नजर उतारने वाला पुतला नहीं है। वहाँ है वहाँ। हे, तुम भी खामखा घबरा रही हो, क्या है वहाँ पे? नजर उतरने वाला पुतला है वहाँ रवि। वहाँ कुछ भी नहीं है। ओफो शालू, यहाँ देखो, वहाँ कुछ भी नहीं है। बुरा सपना आया क्या? नहीं, मैं सच कह रही हूँ, वहाँ मैंने देखा। हे शालू, देखो वहाँ कुछ नहीं है। फिर भी इंसान मर के आत्मा बन गया हो तो बोलने का कुछ मतलब है, लेकिन नजर उतरने वाले पुतले को भूत समझना ये तो बेवकूफी है। वहाँ कुछ नहीं है, शांति से आराम से सो जाओ। वहाँ पर है रवि, मैंने देखा। शालू, रिलैक्स, कूल, चलो मेरे साथ, चलो। नहीं, मुझे डर लग रहा है। चलो। वो देखो, वही है ना? हाँ, वही है। देख लिया ना? नजर उतारने वाले पुतले को फांसी पर लटकाने जैसा लटकाया हुआ है। वो अपने बेडरूम में कैसे आ सकता है? इससे पहले मुझे ऐसा सपना कभी नहीं आया रवि। अपना एनिवर्सरी डे है तो किसी ने नजर लगा दी होगी हमें। रवि, दिस इज टू मच। टू मच कुछ भी नहीं है, चलो चलकर सो जाते हैं। आओ। अब बिना कुछ सोचे आराम से सो जाओ। कूल। इसलिए कहा था ज्यादा काम मत किया करो, ज्यादा काम करोगी तो ऐसे ही बुरे सपने आएंगे। अब आराम से सो जाओ। ओके, ठीक है। स्वीट ड्रीम्स। गुड नाइट। हेलो होने वाली श्रीमती जी। अभी भी होने वाली श्रीमती? क्या तुमने अब तक अपनी बीवी को नहीं मारा? 15 मिनट में मैं उसे ऊपर भेज रहा हूँ। वो कैसे? जहर पिलाकर। ओह वेरी गुड, किसमें मिला रहे हो? चिकन बिरयानी में। और उसने तुम्हें वो खाने के लिए बोल दिया तो? ये भी सच है ना? तो उसे रसा बहुत पसंद है, उसमें मिला दूं क्या? अगर उसने वो भी खाने के लिए बोला तो? फिर क्या करूं? यस, वेडिंग केक में मिला दूंगा। केक कटिंग करके उसने पहले तुम्हें खिलाया तो डार्लिंग? नहीं खिलाएगी। क्यों नहीं खिलाएगी? मुझे शुगर है, वो डॉक्टर है, स्वीट मुझे खाने नहीं देगी। केक में पूरा जहर मिला, पूरा मिला दूंगा। ओके बाय डार्लिंग। ओके बाय। इस एनिवर्सरी पर तुम्हें जो मैं गिफ्ट दूंगा वो तुम्हारी मौत होगी। बोतल का पूरा जहर केक में मिला दिया, फिर भी शालू मरी क्यों नहीं? मैं ही बड़ा मिलावटी समझ रहा हूं तो ये मुझसे भी बड़ा मिलावटी लग रहा है। मेरा पूरा प्लान खराब हो गया।
हेलो कंग्रेट्स रवि, जो तुमने सोचा था कर दिखाया। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हुआ ही डार्लिंग, बाईपास रोड पे। क्या कहा? तुम्हारी बीवी का कार एक्सीडेंट हो गया है। क्या बात कर रही हो तुम? टीवी तो देखो, तुम्हारी बीवी को तुमसे ज्यादा जल्दी है। सामने से स्पीड में कार आ रही थी, उससे उसका एक्सीडेंट हो गया। उसने जो कहा वो सच है। डर रहे हो क्या तुम? पुतला एक्सीडेंट। ओ, मर गई हूँ इसलिए? यही तुम चाहते थे ना? गुड न्यूज मिली तो सेलिब्रेट करना चाहिए। आओ, आने के लिए बोल रही हूँ ना, आओ मिलकर मजे करते हैं। मुझे कुछ मत करो, मैंने कुछ नहीं किया। तुम एक्सीडेंट में मर गई हो, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे मत मारो। मैं तुम्हें क्यों मारूंगी? तुम्हें मरे 10 मिनट हो चुके हैं। जरा वहां देखो। ये सब क्या हो गया? ये तुमने क्या किया? ऐसा मत करो। नो, जिंदा करो, मुझे जिंदा करो।